हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, भारत की बेटियां जो कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं, भारत का तिरंगा लहरा रही हैं, और उसी में एक और नाम आ गया है सामने, अंजुम मौदगिल। जी हाँ, इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए और भारत का नाम रोशन किया है, और उसी से मुतालिक आज का ये वीडियो होने वाला है। रिबाहा इमरान का ये वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है अंजुम मौदगिल बैग्स सिल्वर एट ISSF वर्ल्ड कप 2022। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तजम्मुल इस्लाम हो, सादिया तारिक हो, या अभी निगत जरीन, उन पर भी मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ वीडियो शेयर की थी, या अंजुम मौदगिल हो, और ऐसी तमाम बेटियां जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, भारत के लिए सोच रही हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हुए, वाकई बहुत खुशी होती है। कहीं हमारे भारत का तिरंगा लहराए तो बहुत खुशी होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। क्या करते हो? मैं आईज डॉक्टर हूं। आईज डॉक्टर हो, कैसे चल रहा है काम? जो साहब साहब जिस तरह की टेक्नोलॉजी तरक्की करी है, लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या लगता है कि पाकिस्तान में कदर है डॉक्टर? कुछ बोलते हैं, बहुत कदर है, बहुत कदर है। आपकी कदर हो रही है? कदर हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, जबरदस्त, अच्छी बात है कि आपकी कदर हो रही है। सर, ये बताइएगा, आज का जो मेरे प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है, वो ये है कि इंडिया की एक वुमेन है, ठीक है, अंजुम नाम है जिसका, उन्होंने अज़रबैजान में इवेंट चल रहे हैं, उन्होंने 50M राइफल 3 पोजीशन इवेंट ISSF वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी काबिले तायीन और काबिले तहसीन बात है। मैं समझता हूँ अब तक जो सुरैया खानम, जो कि पाकिस्तान की जो पहली जो थी ना, वो पायलट थी, वो एक फीमेल थी, और अगर आप देखें तो मिलिट्री में देखें बड़ी वुमेंस मौजूद हैं। ये उन तमाम तर वुमेंस जो कि घर बैठ के ये सोचती हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता, ये उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और मैं समझता हूँ वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला कि दूर का कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो करीब ना आ सके। अलबत्ता आप किसी मुकाम के करीब जाना पड़ता है, कभी भी जो है ना वो मुकाम आपके पास नहीं आते, आपको मुकाम की तरफ जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता है और एक सोसाइटी का भी बड़ा रोल होता है इसको आप तक पहुँचाने? देखिए, आपकी सोसाइटी होती है जो आपको कह लेंगे परवान चढ़ाती है, सोसाइटी है जो आपको गिरा देती है, लेकिन इसके अंदर जो आप, मैं समझता हूँ जो तहत शऊर, जो खुदी का जो ताल्लुक है ना, वो एक बड़ी चीज़ है कि आपने तय कर लिया है कि मैंने मंजिल तय करनी है। हर्डल्स आएंगे, परेशानियाँ आती हैं, कंप्लेंस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो जो सफ़र आपने एक मान लिया होता, ठान लिया होता कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, बंदा पहुँच जाता है। अगर आपको बताऊँ तो कल तक इमरान खान तक जिसकी कोई पार्टी नहीं थी, आज वो दुनिया का एक सुप्रीम लीडर माना जा रहा है, हर दुनिया की हर कंट्री में उसका नाम है। अब तो वो बेचारे जो है हंसते हंसते लग गए रहते, वो हिसाब हो गया। देखिए, अच्छी बात है, इंडिया में टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए और अपने टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो दुनिया में अपना नाम जमा सकें। और बहुत से टैलेंट को यहाँ पर प्रमोट किया भी गया है, मगर फिर भी मेरे ख्याल में कंपटीशन होना चाहिए, और जितना प्रमोट किया जाए मेरे ख्याल कम है। अभी बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं जिनको प्रमोट नहीं किया जाता, और इंडिया से सीखना चाहिए, किसी की जो है वो अच्छी चीज़ से हमें सीखना चाहिए और अपने मुल्क को जो है वो आगे लेकर जाना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि एक इंडियन वुमेन, ठीक है, अंजुम ने ये रिवॉर्ड हासिल किया है, ये मेडल हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा और भी इंडियंस हैं जिन्होंने ये मेडल हासिल किया है राइफल में, और मतलब अपने मुल्क का नाम रोशन किया है ये मेडल हासिल करके, क्या कहना चाहेंगे? एक इंडियन वुमेन ने ये हासिल किया है और अपने मुल्क का नाम रोशन कर, अगर इंडियन वुमेन ने हासिल किया है तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान वुमेन को भी जो है ना ये इतना शौर आना चाहिए कि हम भी आगे जाना चाहिए। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन वुमेन ने इतना एक रिवॉर्ड हासिल किया है, कि अचीवमेंट हासिल की, ये अचीवमेंट है, और किसी भी जो है ना वो चीज़, अगर कोई रिवॉर्ड हासिल किया है कोई किसी भी चीज़ के अंदर, वो ऊपर गए, ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो एप्लीकेशन इसका हक है तो उसको दें, एप्लीकेशन आप उसको दें। और ये अगर इंडिया के अंदर ये जो इतनी लड़की इतनी जो है ना वो इतने रिवॉर्ड हासिल किए, पाकिस्तान के अंदर भी लड़कियों को जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तालीम भी देनी चाहिए कि शाउर आए, फिर जब शाउर आए तो इंशाल्लाह तो हमारे वतन की औरतें भी जिस तरह तरक्की कर दी गई हैं, इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेंगी, और उनके लिए भी यही मोटिवेशन है। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया की जो सोसाइटी है या इंडियन गवर्नमेंट है अपनी वुमेंस को वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही है? देखिए, जहाँ तक ये बात है प्रोटेक्शन का जो ताल्लुक है ना, प्रोटेक्शन का, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप देखें वहाँ पे किसी भी, मैं एक लॉ भी कर रहा हूँ ना साथ साथ, मैं अगर लॉ की बात करूँ वहाँ पे रेप केस भी ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे रेप केस ज़्यादा, वहाँ पे वुमेन के जो राइट्स हैं वो बहुत ब्रीच किए जाते हैं। सर, अगर रेप केसेस की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में आधी रात को लड़की सेफ है? आप मुझे एक बात बताएं कि जो जैनब का वाकया पेश आया, उसके अलावा जो दुआ का वाकया पेश आया, उसके अलावा जो मोटरवे पे वाकया पेश आया, उसके बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान में आधी रात को लड़की, आप किसी अपनी बहन या बेटी या माँ को आधी रात को समझते हैं कि अगर आप वो आधी रात को किसी रोड पर खड़ी है वो सेफ है? देखिए, सबसे पहले बड़ी अफसोस की बात है, अगर पाकिस्तान में भी एक्ट हुआ तो बड़ी अफसोस की बात है, क्यों ऐसा, इसके पीछे वजह क्या है? मेन चीज़ तो हमें रीज़न कॉज करनी चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है।
क्यों जो है ना इतना माइंड इतना गिर जाता है, इतना वो कहने की डार्क साइड ऑफ माइंड से एक्टिव हो जाती है कि वो इस अमल तक पहुंच जाता है। बात यह है कि पाकिस्तान में भी रेप केस, और ये रेप केस की जहाँ तक बात करूँ तो ये पूरी अमेरिका की बात कर लें, जो सबसे सुप्रीम जो कहने की जो रेशियो है ना वो उस जो लिस्ट है वो जो 10 ममालिक की जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इंक्लूड नहीं है, अगरचा यहाँ पे केस होते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सर ये तो वो हिसाब हो गया, देखें आउट ऑफ सिटी की बात ले लें, ठीक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा, ये लाहौर फिर भी कुछ बेहतर है क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने देखा लाहौर फिर भी कुछ बेहतर है। सर अगर बात करें तो लड़कियों के हकूक के लिए या लड़कियों को एम्पावर करने के लिए पाकिस्तान कितने इकदाम उठा रहा है, पाकिस्तान की सोसाइटी कितना आगे प्रमोट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से इंडिया में वुमन एम्पावरमेंट पर तवज्जो दी जा रही है, क्या पाकिस्तान में उस तरह वुमन एम्पावरमेंट पर तवज्जो दी जा रही है? देखिए यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो जब मुशर्रफ का दौर आया पहले था ये पाकिस्तान में ऐसा होता था कि इनके पास कोई हकूक थे ही नहीं, औरतों के पास हकूक थे ही नहीं, लेकिन विद दी पैसेज ऑफ टाइम आप देखें मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई रोड पे भी कोई एक्ट हो जाए ना तो मर्द का कोई नहीं है हामी नासिर, लेकिन उस वुमन के जो है ना वो कई हामी नासिर पैदा हो जाएंगे, उसके कई भाई बन जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा कि जो प्रेफरेंस वुमन को मिल रही है पाकिस्तान में वुमन के पास राइट हैं, ये बात माननी पड़ेगी हमें। ये तो नहीं कहीं सोचते काश में लड़की होती, ये तो अलग ही है ना, ये तो अल्लाह ने मुझे बॉय बनाया तो मैं इस पर फख्र करता हूँ। ये तो ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि लड़की मतलब एक लड़की होना जो है इस सोसाइटी में एक अच्छी बात है ताकि लड़कियों को मतलब फेवर दी जाती है, आपका इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। तो मुझे ये बताएं तो ज़ैनब भी तो एक लड़की थी ना जिसके साथ वाकया पेश आया, उसके अलावा जो मोटरवे पे वाकया पेश आया वो भी तो लड़की थी ना, जो उसके साथ अगर गलत हुआ है तो इर्द गिर्द लोग थे ना, तब पुलिस भी नहीं पहुंच पाई थी उस जगह पे। अब एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो हमारा तो मतलब कल्चर मतलब मुसलमानों वाला है ना, ठीक है हम सिख कम्युनिटी यानी कि सिख सिंध में जाते हैं वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ऐसे ही है ना, वहाँ पर हिंदू लड़की के साथ ज़बरदस्ती उनकी मैरिजेस करवाई जाती हैं, ज़बरदस्ती उनके साथ शादी की जाती है, मतलब उनको फोर्स किया जाता है शादी के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियाँ सेफ हैं? चाहे चले मजहब को एक साइड पे कर दे, मजहब को एक साइड पे कर दे, क्या लड़कियां सेव हैं यहाँ पे? मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, बात ये है कि कोई भी इदारा है ना, इदारा अच्छा या इदारा बुरा नहीं होता, उस इदारे के लोग अच्छे या लोग बुरे होते हैं। इसी तरह कम्युनिटी से बात की भाई, कम्युनिटी कोई बुरी नहीं अच्छी नहीं है, लोग बुरे होते हैं लोग अच्छे होते हैं। अब जो ज़ैनब केस हो गया, ये सियालकोट मोटरवे हो गया, ये जो माइनर केस हैं मानते हैं, लेकिन अब ये वो एक दो जो मर्द जो इन्होंने मीच हरकत कर दी वो सारी जो कह रही मेल्स कम्युनिटी को तो नहीं रिप्रेजेंट करते ना। चलें आप ये छोड़ें वुमेन क्यों छोड़ें, आप ये बताएं रिसेंटली जो डिफेंस के कुछ लड़के थे जिसके साथ बिल्ली के साथ ज्यादती कर दी थी जिन लड़कों ने, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं इसकी रीजन बताऊँ आप, लड़कियों को तो छोड़े ना, आप कह रहे हैं कि कई वाकियात हैं तो बिल्ली बेचारी का क्या कसूर है, वो तो बेजान कह रही हूँ, बेआवाज़ है। ये बहुत गलत बात है, लेकिन देखें अब आप ये बात करिए मैं आपकी राय की जो है ना बड़ी वो तयन करता हूँ मैं इसका। अब मैं आपको बताऊँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या निज़ाम चल रहा है, मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें तो मैं फीमेल के हक में भी आप देखें फीमेल कई लड़कों को दोफर कर रही हैं, पैसे दे रही हैं। अब ये देखिए ये दोनों हताली बजती है, ये मैं बता दूँगा, ये मेरी बात सुने, यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आप किसी की मर्जी के बगैर किसी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर रेप केसेस, आपने रेप केसेस की बात की, रेप केसेस की शराब बढ़ती जा रही है, इस बात पे आप एग्री करेंगे क्योंकि आपने इतनी एग्जांपल्स पीछे देखी हैं, कई एग्जांपल्स हैं जो हम हाईलाइट ही नहीं करते। अब जब रेप केसेस बढ़ रहे हैं ना, इसमें मैंने पहले आपको बताया कि जो टॉप जो लिस्ट है ना जो जिसमें जिन मालिक में रेप केसेस होते हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब आप चले जाएँ नैदरलैंड में, चले जाएँ इतना रेप केस होता है, आप चले जाएँ ये क्या नाम है स्विट्जरलैंड जहाँ भी इतनी रेप केस इतनी शराह है, कैप टाउन साउथ अफ्रीका में उतनी ज़्यादा रेप की शराह है। पाकिस्तान अलहमदिल्ला पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान में रेप केसेज हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ है और यहाँ पे और को हकूक हासिल हैं। सर आपको लगता है कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है वुमन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, इसलिए उनकी वुमेन जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना इंडिया का नाम रोशन कर रही है? हाँ ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि इंडिया में जो है वो इस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाल ही में सीधा मूसा वाले के बारे में जो उनकी डेथ हुई और वो भी एक उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, और पॉलिटिक्स नहीं आपको इसकी बैकग्राउंड नहीं पता, उसमें बेसिकली जो है वो देखा जाए गैंगस्टर ने उनका मर्डर किया, अब तो रिपोर्ट भी पूरी सामने आ गई, चलें धमकियाँ भी उनको दे रहे थे और सलमान खान को भी उसने धमकी दी, ठीक है। सलमान खान तो खुद उनके घर गए थे उन्हें पूछने और उनके साथ हैं, अब वो आपने देखा होगा, लेकिन जो स्टोरी बैकग्राउंड है वो बेसिकली यही है, जो बड़े लेवल पे जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ना फिर ये रिपोर्ट्स वगैरह भी जो वो जाली हो सकती है जैसे पाकिस्तान में होता है, तो इस ये हम कुछ कह नहीं सकते कि जो रिपोर्ट आई है जाहिर वो सही हो, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी गलत है? नहीं सभी गलत नहीं है, इंडिया की अगर रिपोर्ट है तो उस पर आप कह सकते हैं कि वो उसमें गलत हो सकता है,
लेकिन स्टिल ये है कि अगर इंडिया की रिपोर्ट्स गलत होती हैं, मुझे ये बताएं जो वो ग्रो कर रहे हैं तो जो वो मतलब काम कर रहे हैं वो, यानी कि वो सारी फेक है, उनका मीडिया फेक है? नहीं नहीं, मीडिया देखें आईटी में इंडिया बहुत आगे है, उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए और आर्टिस्ट की वहाँ पे कदर है। लेकिन हाल ही में जो हुआ है मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट की जो थी वो, उसको चाहिए था कि उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी इतने बड़े आर्टिस्ट को, अगर वो उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दी सिद्धू मूसा वाले को जिसके बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता, एक दिन पहले ही उससे प्रोटेक्शन हटा ली गई थी, उनको सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन वो क्यों हटाई है? अगर एक दिन आपने हटाई है तो नेक्स्ट डे उनका कत्ल हो गया। आपको लगता है कि इसके पीछे कौन है? आर्टिस्ट तो सेफ नहीं हुआ बेसिकली। देखिए आर्टिस्ट को जो है ना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ये तो उनकी नेलिजेंस है कि उन्होंने इतना भी नहीं जो मैयर किया कि उन्होंने एक दिन पहले अगर वो हटा ली है अपनी सिक्योरिटी तो नेक्स्ट डे वो कत्ल हो गया। आर्टिस्ट तो खत्म हो गया ना, तो आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए और इंडिया से हमें सीखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे बात ये हो रही है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के, मेरे ख्याल में इस लिहाज से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाकी आईटी में बहुत आगे पाकिस्तान जो है थोड़ा सा आगे है। पाकिस्तान कहाँ का टॉपिक कहाँ चला गया? आपको लगता है कि पाकिस्तान में आर्ट की कदर की जाती है? जिस तरह ये वुमेन को इस तरह राइफल में इस तरह मतलब वो सिल्वर मेडल हासिल किया और उसने ये हासिल करके इंडिया का नाम रोशन किया, इसके अलावा और भी जो है इंडियंस उन्होंने ये तमगा जो है वो हासिल करके इंडिया का नाम रोशन किया है, क्या कहें? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो है आर्टिस्ट की कदर की जाती है, नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती। और बहुत से टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे जिनकी कदर नहीं की जाती। और भारत में जैसे हमारे आर्टिस्ट गए थे, राहत फ़तेह अली खान गए थे और आतिफ असलम गया था, तो उनको जो एक बूम मिला था वो इंडिया से मिला था, तो ये बात तो सही है। बाकी जो बात है इंडिया में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर, और ह्यूमन राइट्स को लेकर अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं सर तो ये बताइएगा कि उनकी अवामी वो मतलब उसकी उनकी अवाम ही ग्रो हो रही है ना, उनकी अवाम से ही वो मतलब अपने मुल्क का उनका नाम रोशन हो रहा है। नहीं देखिए प्रॉब्लम्स तो है ना, अगर अवाम उनकी कितनी ज़्यादा है, उनकी आबादी कितनी है। वुमेन राइट्स को एक एग्जांपल दें कि वहाँ पे वुमेन्स राइट को मतलब जो है वुमेन राइट्स ठीक है, वुमेन राइट्स चले आपके पाकिस्तान के लिहाज से बेहतर होगा लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे चाहिए, ऐसा नहीं आपका जगह इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन हम एक साथ अलग हुए हैं और आज वो इतने आगे निकल चुके हैं, कोई ना कोई वो इवेंट होता है तो इंडियन जो है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं और इंडिया ही मतलब उनका अपना इंडिया ही नाम रोशन करके निकलते हैं। तो दुख वाली बात है कि पाकिस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं अभी फिलहाल जो है, पेट्रोल का मसला है और बहुत से माशी हालात जो है हमारे, पेट्रोल पे ही आ जाते हैं कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल पे ही आ जाते हैं। उधर पेट्रोल कितने का और इधर आप 200 से भी ज़्यादा का पेट्रोल चला, तो यही बात की है कि इंडिया जो है आईटी में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, स्पेस में वो जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो करते हैं। स्टिल जो ह्यूमन राइट्स पे इश्यूज है ना, देखें एग्जांपल दे दें कोई सा, वहाँ पे मस्जिदों को जो शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अगर मस्जिदों को शहीद किया जाता है या इस तरह के मामलात होते हैं तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की एक पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, तो मतलब वो कहते हैं ना मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुसलमानों की है वहाँ पर, तो अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो वो तो खुल के सामने आ जाते हैं ना। मतलब अभी ये देखे ना ये जो तहरीक थी सिखों वाली पाकिस्तान वाली, ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा एक अलग सूबा हो क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हैं बहुत से। सिखों की एक मिसाल देती हूँ, प्रॉब्लम्स तो है ना, आप फुली बात सुने मेरी बात सुने, सिखों की मैं मिसाल अगर आपको देती हूँ, रिसेंटली आपको पता पेशावर में जो दो सिख मारे गए, सिख के जो लीडर्स, बिल्कुल गलत है सर, दो सिख में भी बिल्कुल गलत है पाकिस्तान में भी बहुत से सर। अब सिख के जो लीडर थे उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एजे शंकर, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सिख कम्युनिटी के लिए कुछ करें, ठीक है, इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ सामने आई है दोनों तरफ से है ना। अब ये देखें आप इस तरह ना सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया को सोचें, प्रॉब्लम्स तो दोनों मुल्कों में है, लेकिन ऐसा आप अगर कहें कि भारत बिल्कुल इस लिहाज से बेहतर है तो वो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हाँ आप नहीं समझ रहे, आपको लगता है पाकिस्तान में इम्प्रूव हुआ है? हम एक साथ अलग हुए हैं, हम इम्प्रूवमेंट इस लिहाज से नहीं हुई, अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर लोग वहाँ के खुशहाल होते। कहा कि पाकिस्तान में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है या पाकिस्तान में चलो थोड़ी सी भी हुई है, तो क्या पाकिस्तान में वुमेन्स को राइट है कि वो इस तरह की जो इवेंट्स पे इंटरनेशनल इवेंट्स पे मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे? क्या इस तरह के इवेंट्स पे पाकिस्तानी वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं? वुमेन्स हैं बिल्कुल, रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरह से लोग हैं, टैलेंटेड लोग आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में कमी है, इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे ज़ाहिर है इंडिया में आर्ट की कदर की जाती है, उनके मजहब में है और वहाँ पे कदर की जाती है, यहाँ पे और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आर्ट को और टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। सर
वही बात है कि मतलब लाइक वाकई ही मतलब उधर प्रमोट किया जाता है, अपने टैलेंट की कदर की जाती है, इधर भी टैलेंट की कदर की जाती है। तो आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अपनी वुमेन को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। कम्प्लीटली जो जैसे दुनिया में, यूरोप में या बाकी ममालिक में होता है वैसे नहीं है, उनको स्टिल जो है बहुत सी जो है वो जदोजहद करनी पड़ेगी, और अच्छी बात है, करनी चाहिए, भारत को भी करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। सर चलें आप ये छोड़ें, ये बताएं कि आज की डेट में इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से या टैलेंट की कदर की जाती है? जिस तरह वुमेन जो हैं मेडल्स लेकर आती हैं, इंडियन वुमेन्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया जाता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इस बात से एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल। और वो पाकिस्तान से ये मामला बेहतर है? पाकिस्तान से बेहतर नहीं है? पाकिस्तान में भी किया जाता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता? पाकिस्तान में अगर किया जाता है तो मुझे बताएं, रात को आधी रात को आप अपनी किसी बहन बेटी या बीवी को कहेंगे कि आप आधी रात को जॉब करें? देखिए बताएं हाँ या ना में जवाब। मेरी बात हाँ या ना में जवाब, बात तो सुने, ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे ही होता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इंडिया के, अगर आप रेप केस बात कर रही नहीं है ना, ये रेप केस की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे आपकी बहन बेटी वुमेन एनवायरनमेंट, ठीक है? अब वहाँ पे ये जो आपने बात की ना पाकिस्तान के अंदर, आप परमिशन देंगे सर, आप परमिशन देंगे अपनी बीवी बेटी को आधी रात को जॉब करने की? ये बस हाँ या ना में जवाब, अगर तो बस हाँ या ना में जवाब। पैसे ज्यादा बिल्कुल ज्यादा देंगे, बिल्कुल इजाजत देंगे, तो आप मतलब आप बड़ी सोच के आपने जवाब दिया। मैं सोचा, मैं कह रहा हूँ अगर तो पैसे अच्छी है हम उसको खुद छोड़ के आएंगे, ऐसी बात ही कोई नहीं है। वैसे मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, आधी रात को आप मतलब उसने ऑफिस से घर जाना है, आधी रात को आप परमिशन दे देंगे उसको जॉब करने की? ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान सेफ है। यूटर्न्स पे यूटर्न्स लेना आपने हमारे लीडर से सीखी है। देखिए यूटर्न लेना अच्छी बात है, मेरी बात सुनो, यूटर्न लेना बहुत अच्छी बात है, अगर आप जो है ना स्टडी बार्ड से करनी है, माइंड में आया यार वो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, यूटर्न ले लिया, पाकिस्तान में करूँगी ज़्यादा बेहतर है, तो यूटर्न लेना तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आपने सीख लिया अपने लीडर से ये क्वालिटी? देखिए यूटर्न्स लेने चाहिए तभी जिंदगी का मतलब, लीडर एक सोच देता है आपको, यानी ये हमारे इमरान खान साहब ने हमारे जो यंग यूथ है उनको सोच दी है कि जो है यूटर्न्स लेने चाहिए, इससे जिंदगी भी अच्छी रहती है, सेहत भी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। अब आप यूटर्न अच्छी बात है, आपने सेहत अच्छी रहती है आपकी, यूटर्न आपने सेहत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है, यानी कि आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि आपने खुद यूटर्न, आपने हो सकता है कि आपने कल का लिबर्टी जाऊं, फिर आपने कहा नहीं वहां पे नहीं, वहां ऐसे यूटर्न नहीं मैंने लिए, मैं अगर काम करने पे आती हूं तो मैं काम करके जाती हूं। अभी आप वहां थी ना, अब आप यहां भी आपने मैंने ये सोचा नहीं कि ये यूटर्न हो गया अगर मैं इधर से इधर आ गई, यूटर्न ही कहते हैं वेरी नाइस सर, आपकी जो डॉक्टरी है ना आपको बहुत ज्यादा बड़ा लेजेंड बना दिया उन्होंने, आप पाकिस्तान के लिए मिसाल है, यूटर्न एक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यूटर्न होता है एक दूसरा यूटर्न होता है, मैं दूसरे यूटर्न की बात करूं, सियासी यूटर्न उनको सियासी उनको सियासी से छोड़, एक दूसरा यूटर्न होता है, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों देखा आपने, ये पाकिस्तानी आवाम की राय थी, खैर टॉपिक था अंजुम मौदगिल के बारे में और उनकी सफलता के बारे में, उनको ढेरों बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत ही तजुर्बेकार इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, और ओलंपिक में भी खेलने का तजुर्बा उन्हें रहा है, और उनका एक मुझे याद आ रहा है कि अपनी निगाहें हमेशा, उनका मानना है कि अपनी निगाहें हमेशा निशाने पर रखो, तो 50 मीटर राइफल शूटिंग में जिस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल जीत कर बेटियों के लिए प्रेरणा बनती हैं, खुद बेटियाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और हमने पाकिस्तानी आवाम का देखा है कि टॉपिक से हटकर तमाम बातें करवा लीजिए इनसे, इनसे बात करवा लीजिए कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। अरे भाई हम तो खुद कहते हैं कि हमारे भारत में अभी बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है और काम हो भी रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर अभी और ज़्यादा वर्क होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो हम तो इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तानी है। हमने देखा था कि एक आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी, आई थिंक परसों ही मेरी वो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है, जिसमें पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट्स जो थे उनकी राय जिहाद के बारे में, भारत के बारे में जो उनकी राय, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अब उसमें हमने देखा कि बच्चों की क्या राय है, और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी यूथ की क्या राय है, और यही इनकी सोच है कि नहीं नहीं यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑल राइट है, पाकिस्तान जो है वो भारत से बिल्कुल आगे है, पाकिस्तान में तमाम लड़कियाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये जो डिनायल मोड में रहते हैं ना पाकिस्तानी, तो ये इनके खुद के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और जहाँ तक बात हो रही थी अंजुम मौदगिल की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर जो एक कामयाबी दर्ज की है भारत के नाम, तो उन्हें तो ढेरों शुभकामनाएं और बधाई है ही, लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तानी आवाम इस टॉपिक पे बात करने के बजाय तमाम टॉपिक्स पे उन्होंने बात कर ली, पॉलिटिक्स, यूटर्न, ये वो, और ये जो इसमें एक साहब थे जो कि अपने आप को आँखों के डॉक्टर कह रहे थे, तो आई थिंक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है आँखों के डॉक्टर को, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा, आई थिंक
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही कहलाते हैं, लेकिन आंखों के डॉक्टर, आंखों का ही डॉक्टर वो कुछ समझ नहीं आया। भारतीय यूथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, हर एक फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, हर एक फील्ड में अपने आप को लोग वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं, अपनी टैलेंट, अपनी मेहनत, अपने काबिलियत के दम पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, और ऐसे ही अंजुम मोदगिल ने किया है। सो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानी आवाम की राय हमने देख ही ली, घुमा फिरा कर ये भारत के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, और कमाल की बात तो ये है कि अपने मुल्क में हो रही किसी भी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब वो टॉप 10 की लिस्ट में जब पाकिस्तान आ जाएगा ना, कि जहाँ महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, तब कहेंगे कि हाँ ये तो अब सही है, लेकिन चूंकि टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है तो ये समझ नहीं आया। और खैर, इनको कंफर्म करना चाहिए टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान है ही, जो पहले भी हमने बात की थी इस पर। सो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।